आइए फिर से आपका एक बार स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसनी तज्ञ महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ कि लोग जब आउटकम के बारे में, मतलब रिजल्ट्स के बारे में, रिजल्ट क्या होगा, मुझे सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा, सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, सफलता नहीं मिलेगी तो क्या होगा, उसके बारे में जब सोचते हैं तो डेफिनेटली उसमें वो हार जाते हैं या असफल हो जाते हैं। और जब वो काम के लिए काम करते हैं, वो एन्जॉयमेंट के लिए काम करते हैं, जब वो एक्शंस लेते रहते हैं तो डेफिनेटली उनको सक्सेस मिलता है। तो इसके बारे में मैं आपसे आज बातचीत करने वाला हूँ। देखिए, ये पैराडॉक्सिकल है। पैराडॉक्सिकल मतलब ऐसा है कि एक खिलाड़ी, एक समझो इंटरव्यू देने वाला है, फॉर एग्जाम्पल वो इंटरव्यू में जा रहा है, उसका इंटरव्यू है, बड़ी पोस्ट है उसके लिए, उसका इंटरव्यू है और वो इंटरव्यू के लिए जा रहा है। अब जब वो जा रहा है इंटरव्यू के लिए, अब उसके दिमाग में सब वो आ रहा है कि अभी मैं वहाँ जाऊँ तो मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, वो मुझे क्या सवाल पूछेंगे, यदि मैं इंटरव्यू में फेल हो गया तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मुझे नौकरी नहीं मिलेंगी, फिर मैं घर में का क्या खाऊँगा, मतलब घर में मेरे बिल्कुल प्रॉब्लम्स है, ऐसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ऐसा वैसा, बहुत टेंशन में जा रहा हो और वो सब अंदर उसका जो चालू है बातचीत करना अपने आप से, वो अभी कुछ उटपटांग है और वो डरा हुआ है और वो वहाँ अंदर जा रहा है इंटरव्यू के लिए। अब ये जो बंदा है, ये बंदा पूरा फ्यूचर में फोकस कर रहा है। फ्यूचर में इसका मतलब कि भाई आगे क्या होगा, और फ्यूचर कौन सा है कि फेल्योर का फ्यूचर, कि मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इम्पैक्ट क्या होगा, वो सोच रहा है। डेफिनेटली इसका इंटरव्यू अच्छा नहीं होगा। दूसरा एक बंदा है जो इंटरव्यू में जा रहा है, बोला ठीक है यार, सिलेक्शन हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, मुझे जितना आता है, जो भी मुझे ज्ञान है, जो भी मुझे नॉलेज है, वो मैं उनको बताऊंगा, वो कुछ भी सवाल करेंगे, मैंने काफ़ी सारी पढ़ाई की है, सिलेक्शन होगा तभी ठीक है, सिलेक्शन नहीं हुआ तभी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो एकदम रिलैक्स मूड में जाता है और अंदर दिमाग में कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या होगा, डेफिनेटली उसका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। चांसेस क्या है, चांसेस ये है कि दूसरा वाला जो है वो इंटरव्यू में पास होने के चांसेस ज़्यादा है, जब उसके दिमाग में कोई टेंशन ही नहीं है, स्ट्रेस नहीं। मतलब जितना ज़्यादा टेंशन है, जितना ज़्यादा स्ट्रेस है, जितना ज़्यादा आप आउटकम से या रिजल्ट से या सफलता से जितने ज़्यादा आप अटैच हो, उतना आपका परफॉर्मेंस यहाँ कम हो जाता है। और आप जब परफॉर्मेंस के लिए परफॉर्मेंस दे रहे हो, आपका पूरा माइंड यहाँ है, पूरा माइंड जो काम कर रहे हो वहाँ है, तो फिर डेफिनेटली आपका परफॉर्मेंस अच्छे होगा। देखो, एक बंदा है, वो बोल रहा है कि मैं बॉम्बे जा रहा हूँ और बॉम्बे में जाना है मुझे हीरो बनने के लिए। अब वो हीरो बनने के लिए जा रहा है, उसके दिमाग में पूरा हीरो का है कि मैं हीरो बनूंगा, ऐसा होगा, मेरा पब्लिसिटी हो जाएंगी, पेपर में आएगा नाम, टीवी पे आऊँगा, ऐसा होगा, मेरा पिक्चर मतलब रिलीज हो जाएगा तो उसमें नाम होगा, मतलब बहुत बड़ा हीरो बनने वाला, वहाँ से जा रहा है। और दूसरा एक बंदा है, वो जा रहा है कि मेरे को एक्टर बनने का है, मुझे बहुत अच्छी बेहतरीन एक्टिंग करने की है, और वो वहाँ एक्टिंग करने के लिए जा रहा है। तो देखिए, सक्सेस किसको मिल सकता है, डेफिनेटली जो एक्टिंग कर रहा बंदा उसको सक्सेस मिलेगा। तो जो खेल के लिए खेल खेल रहा है, समझो देखा ना, एक क्रिकेटर है, वो देख रहा है कि मैं सेंचुरी मार सकूंगा नहीं मार सकूंगा, उसका पूरा ख्याल जो है वो, समझो वो बैट्समैन है और उसका ख्याल पूरा स्कोरबोर्ड की तरफ है, वो स्कोरबोर्ड देख रहा है कि अभी कितने हो गए, अभी 90 हो गए, अभी 92 हो गए, अभी मेरी सेंचुरी होंगी नहीं होंगी, मतलब पूरा उसका पूरा कहाँ है ख्याल, उसका पूरा ख्याल फ्यूचर पे है, फेल्योर ऑफ द लाइक फेल्योर इन द फ्यूचर की तरफ है, और वो डेफिनेटली वहाँ आउट हो जाएगा क्योंकि अभी वो खेल के लिए खेल नहीं खेल रहा है। और जब दूसरा बंदा है कि जो खेल के लिए खेल रहा है, पूरा एक्शन वहाँ है, डेफिनेटली उसको सक्सेस मिलेगा। इसके अलावा इसका मतलब यह है कि आप जब भी प्रेजेंट में रहते हो, जब आप वास्तव में रहते हो, प्रेजेंट टू द मोमेंट, मतलब प्रस्तुत होते हो, जो चल रहा है अभी उसको प्रस्तुत हो जाते हो, आप वर्तमान में रहते हो, तो आपका परफॉर्मेंस बेहतरीन हो जाता है। होता क्या है कि काफ़ी सारे लोग एक तो पास्ट में रहते हैं, अतीत में रहते हैं, अतीत में ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वैसा हुआ, वो चालू रहता है दिमाग में उनके, या फ्यूचर में वैसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, वो चिंता है फ्यूचर की, पास्ट के बारे में, अतीत के बारे में डिप्रेशन है, फ्यूचर के बारे में चिंता है, अब वो सब उसमें अपना दिमाग अड़ा हुआ है और वहाँ पूरा ऑक्यूपाइड है, तो डेफिनेटली प्रेजेंट में, वर्तमान में एक भी एक्शन होंगी नहीं। यदि मेरा जो अंतर्मन है, विचारधारा जो है, कंटिन्यूस जो विचार चालू है मेरे दिमाग में, वो विचार और मैं जो एक्शन ले रहा हूँ, मेरे को प्रेजेंट में लेना पड़ता है एक्शन। एक्शन कहाँ होती है? एक्शन होती है प्रेजेंट में। कृति कहाँ होती है? कृति होती है प्रेजेंट में। तो मैं जब प्रेजेंट में कृति कर रहा हूँ और वहाँ कृति करने करने के समय या करते करते यदि मेरे दिमाग में
जो आवाज चालू है दिमाग में, जो थिंकिंग चालू है दिमाग में, जो विचार चालू है वो फ्यूचर के फेल्योर के बारे में, चिंता के बारे में है, या दिमाग में मेरे विचार चालू है पास के बारे में, दुख है, फेल्योर है पास्ट में, पास की मेमोरी है, बैड मेमोरीज है, उसकी अरदास आ रही है, तो मैं वर्तमान में हुई नहीं, मेरी एक्शंस जो है वो पूरी तरह जो है वो सक्सेसफुल होंगे नहीं, एक्शंस में कोई रिजल्ट आएगा नहीं, क्योंकि मेरा दिमाग, मेरा थिंकिंग प्रोसेस जो है वो इधर उधर चालू है। यदि मैं जो एक्शंस ले रहा हूँ वर्तमान में, वो एक्शंस और मेरा थिंकिंग साथ साथ चल रहा है, एक साथ हो रहा है, ऑन द कोर्ट वहाँ मैं काम कर रहा हूँ और जहाँ काम कर रहा हूँ वहीं मैं वही विचार कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली देखो 100% आप देखो अगर आपका बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाएगा। तो अपने आप को यदि पावरफुल बनाने का है, खुद को पावरफुल बनाने का है, तो आपको ये करना पड़ेगा कि जो कृति कर रहे, जो एक्शंस कर रहे, वहाँ आपका ख्याल है, वो विचार है, उसको अनुरूप विचार है। समझे, कहा था क्रिकेटर जो देख रहा है कि भाई स्कोरबोर्ड के तो देख रहा है, उसको देख रहा है कि भाई 90 हो गए, 91, 92 सेंचुरी होंगी नहीं होंगी, क्या होंगा क्या नहीं, सब पूरा टेंशन उसको वो स्कोरबोर्ड का है, वहाँ देख के उसका कुछ होने वाला है नहीं, मगर जो वर्तमान में मतलब पूरा वहाँ के वहाँ देख रहा है और अपने आप से बातचीत कर रहा है कि ये बॉलर ऐसी बॉलिंग करेगा, ये बॉलर ऐसी बॉलिंग करेगा, तो मैंने किस तरह से उसको शॉट मारना है, या इधर इधर फील्डर है वो देख रहा है कि फील्डर जो है वो कहाँ कहाँ मौजूद है, मैंने शॉट कहाँ मारना चाहिए, कहाँ से मैं शॉट मारूँ कि चौका लगेगा या दुक्का लगेगा या दो रन निकलेंगे। मतलब हो रहा क्या है कि वो ऑन द कोर्ट है, ऑन द फील्ड है, जो जहाँ काम कर रहा है उसके बारे में सोच रहा है, ना कि फ्यूचर के बारे में, ना कि पास के बारे में। डेफिनेटली रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। लोग बोलते हैं कि नहीं, मुझे है ना अंतर्मन जो है ना उसको कंट्रोल करने का है। कंट्रोल कैसे करेंगे? तो कंट्रोल इसी तरह से करना है, जहाँ वर्तमान में मौजूद है, जहाँ वर्तमान में आप काम कर रहे हो, वो वर्तमान के बारे में आप सोच रहे हो, उसको अनुरूप, उसको कंसिस्टेंट जो विचार है वही सोच रहे हैं, और पूरा अपना 100% आप जो काम कर रहे उसमें दे रहे, उसके बारे में सोच रहे, जानबूझकर सोच रहे, तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट बहुत बेहतरीन हो जाएंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। हमारा हॉस्पिटल है जहाँ हम मनोरुग्णों को भर्ती करते हैं, रिसारों के साथ में रिसारों के अलावा लोगों को हम भर्ती करते हैं, और हमारा काउंसलिंग भी लोग ऑनलाइन लेते रहते हैं, डिप्रेशन के काफ़ी सारे मनोरुग्ण हमारे पेशेंट्स है कि जो ऑनलाइन काउंसलिंग कर लेते हैं, सेक्स के बारे में पूछते हैं, शराब के जो व्यसनी जो लोग हैं नशेखोर, उनको हम काउंसलिंग करते हैं, उनका इलाज करते हैं। आप भी जरूर वीडियो फैलाओ, लोगों को जानकारी दो, ताकि लोग अपना जीवन अच्छी तरह से जी सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।